सिद्धार्थनगर जनपद के सदर थाना क्षेत्र में स्थित द रॉयल पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सील कर दिया। पूरा मामला आज दोपहर का है, जब होटल परिसर में अचानक SDM ललित कुमार मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और होटल को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। होटल में रुके परिवारों को तत्काल कमरे खाली करने को कहा गया। इस मामले को लेकर जब SDM ललित कुमार मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि यह होटल विनियमित क्षेत्र में स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाया गया था, इसी वजह से अगले आदेश तक इस होटल को सील किया गया है। ऐसे अन्य जो भी होटल होंगे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। नौगढ़ में एक रॉयल पैलेस होटल है जो विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो जिस नक्शे के आधार पर बनाया गया था उसमें खामी पाई गई है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत इसको अग्रिम आदेश तक इसको सील किया गया है, इसे अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। सर, कुछ दिन पहले यहाँ पे दुष्कर्म की रिलेटेड कोई घटना का मामला क्या उससे लेकर नहीं, ये विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत है और जो हमारे द्वारा नक्शे स्वीकृत हैं अगर उस अनुरूप बिल्डिंग नहीं बनी रहती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। सर, जिले में ऐसे तमाम होटल या लॉज होंगे जो आज के नक्शे से बाहर होंगे तो क्या? नहीं, हाँ, जो भी स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं होगा उसमें जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो संचालित की जाएगी।